वो कहीं साथ होता है? नहीं नहीं वो तो हवा में उड़ गया, अभी तो बीजेपी खुद मेजोरिटी मार्ग के पास भी नहीं है और इंडिया गठबंधन लगातार अच्छा कर रही है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि बिहार में अमूमन 40 सीट पे 2 से 2.5 लाख की ही गिनती हुई है और मिनिमम अगर हम मान के चलें 50% के बार को भी तो 10 लाख की 9.5 लाख की गिनती होनी है। तो मैं आग्रह करूंगा कि चुनाव आयोग को कि पूरे देश में चुनाव की मतगणना की जो गिनती जो गति है वो बिहार में नहीं है, तो हस्तक्षेप करें हर जगह, क्योंकि हमें शिकायतें मिल रही हैं, बहुत स्लो है और मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए। नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे या चंद्रबाबू नायडू तो 19 में हमारे साथ लड़े थे, हमें पता है कि उनके जहन में भी ये चल रहा होगा कि विकल्प देश के समक्ष आए और एक लोकोन्मुख विकल्प आए, क्योंकि जनता ने आत्ममुग्धता और तानाशाही की प्रवृत्तियों को खारिज कर दिया। और वैसे भी मेरा अपना मानना, हम विरोध में ही हों नीतीश जी के, उनके बेसिक उनकी पॉलिटिक्स में फैसिज्म के खिलाफ की उनकी पॉलिटिक्स है, आत्ममुग्ध व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खिलाफ है। और मैंने बार पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने ही रखी थी, तो तेजस्वी जी ने कहा था कि 4 जून के बाद कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो वो बड़ा कुछ भी हो सकता है, इंतजार करिए। तो महाराष्ट्र का जो निकाल है वो लोगों ने डेमोक्रेसी के बाजू से दिया हुआ है। महाराष्ट्र में पैसा, सत्ता, पावर, सब गुंडा, सबका ताकत वहाँ पे यूज़ किया था, फिर भी लोग महाविकास आघाड़ी के साथ रहे। एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन 35+ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पैसा वगैरह का ताकत जो ज़्यादा तरीके से यूज़ किया था उसके कारण थोड़े बहुत सीट्स हमारे बहुत कम मार्जिन से वहाँ पे शायद जाएंगे ऐसे लग रहा है। लेकिन जो भी निकाल लोगों ने दिया है बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, आगे जाते हुए महाविकास आघाड़ी का सत्ता इस राज्य में भी आएगी ऐसा विश्वास हम सबको लगता है। नहीं देखो, विचार की वो लड़ाई थी, लोगों को मालूम था भाजपा के विरोध में हम लड़ रहे हैं। पवार साहब ने किया हुआ काम, सुप्रिया तई ने किया हुआ काम, वहाँ पे जो सब महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ते, पदाधिकारी और नागरिक, इन सब के कारण सुप्रिया तई का विजय हुआ है। देखिए अभी रिजल्ट्स आना बाकी है, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे सीट्स पे काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है अब एक आध घंटा और वेट हम लोग को करना चाहिए ताकि फाइनल रिजल्ट्स आए। हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम लोगों ने काम किया था और जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे वो रेजोनेट हुए ग्राउंड पे और हमारे अलायंस को और हमें काफ़ी अच्छे सीट्स आए हैं। फाइनल टैली क्या होगा देखेंगे, उसके बाद हमारा जो आलाकमान है कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं वो लोग सब आपस में मिलकर के तय करेंगे कि आने वाले दिनों की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हमारा क्या रास्ता रहेगा उसको। आज 5:30 बजे कांग्रेस प्रेसिडेंट और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें और क्लैरिटी आएगी। कल इंडिया अलायंस की भी बैठक हो सकती है? अभी कोई बैठक तय नहीं की गई है, जाहिर सी बात है इतना लंबा कैंपेन रहा है, इट वॉज ए वेरी वेरी लॉन्ग ड्रोन कैंपेन और सारे पार्टीज मिलके लड़े हैं, तो परसों जब बैठे थे एक इनफॉर्मल बैठक थी जिसमें कुछ चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना था वो किए थे, आप लोग के समक्ष सामने रखे थे उन बातों को। अब हम पोस्ट पोल का सिनारियों को लेके बात करना पड़ेगा, बस जाहिर सी बात है मिलेंगे, अब कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे वो अभी तय नहीं हुआ। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है हरियाणा में, वो सिद्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं बढ़त जा रही है ना, एक भी सीट नहीं थी, अब देखो 7 में तो लीड कर रहे हैं और अब भी देखो नतीजे तक इंतजार करो, हो सकता है मुझे, मैंने कहा जब पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप भी हो जाता है। बातचीत हुई है क्या और आने वाले समय भी आपको लगता है जो बात करने के लिए अलायंस पार्टी और सरकार फॉर्म करना है तो उनको साथ में लेने की जरूरत होगी? बातचीत हुई नहीं,
बातचीत करने की उम्मीद है। मेरी बातचीत खाली दो लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं धन्यवादी हाँ सारी वोटरां दा, ते खास तौर पर मैं धन्यवाद करदा अपने कांग्रेस पार्टी के सारे हलका इंचार्ज, कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर, तो सारे लोग जिन्होंने इस मुहिम को चलाया। ये जी टोटल मुहिम चली है इलेक्शन की, यह कांग्रेस वर्कर और पब्लिक वालों चलाई गई और साढ़े लीडर वालों चलाई गई।